देखिए क्या बोल रहा है ये, द रेशियो ऑफ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंथ्स लैम्डा वन एंड लैम्डा टू इज 4000 एंड 6000। ठीक है, तो आप ये देखिए जो रिजॉल्विंग पावर है उनका रेशियो तो लैम्डा का ही रेशियो बन जाता है, तो 6:4 यानी कि 3:2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला देखिए, दैट इज 1/लैम्डा होता है उसमें, तो लैम्डा का ही रेशियो बन जाता है, तो लैम्डा के ही रेशियो में आ जाएगा इनका ये। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन इन अ मीडियम अदर देन एयर। इट इज फाउंड दैट एर्थ ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज वेयर फिफ्थ डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज नियरली। आप देखिए अगर ये पैटर्न की बात करते हैं हम, तो यहां पर ऊपर की तरफ जाए हम, मान लो फ्रिंज विड्थ, जो फ्रिंज विड्थ है अगर उसको मैं बीटा मान लूं, तो यहां पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी CBF, यहां पे पहली फिर दूसरी फिर तीसरी चौथी पांचवी सिक्स सेवन्थ और एर्थ। ठीक है, तो जहां पे एर्थ ब्राइट फ्रिंज होगी तो यहां पे बीटा पे वन, तो 8 बीटा पे ब्राइट फ्रिंज होगी एर्थ नंबर की। अब ये बोल रहा है इट इज फाउंड दैट 8 ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम, 8 ब्राइट फ्रिंज आ जाती हैं उतनी डिस्टेंस में जब मीडियम है। ठीक है, तो 8 ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज वेयर द फिफ्थ डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर। जब यहां पे मीडियम है और 8 ब्राइट फ्रिंज है, तो 8 जब मीडियम है तो ब्राइट फ्रिंज मान लीजिए जो फ्रिंज विड्थ है वो बीटा एम है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 बीटा एम। और जब मीडियम नहीं है एयर है, तो मान लीजिए फ्रिंज विड्थ है ए, तो होता क्या है, फिफ्थ डार्क। तो पहली डार्क जो होती है, जो फर्स्ट डार्क होती है, वो कहां पे होती है, फर्स्ट डार्क होती है यहां से 0.5 बीटा पे, दूसरी डार्क 1.5 पे, तीसरी डार्क 2.5 पे, तो फिफ्थ डार्क होगी 4.5 बीटा पे। तो 4.5 बीटा इन एयर इज इक्वल टू डी, क्योंकि जहां पे एर्थ बन रही है मीडियम में, वहां फिफ्थ डार्क बन रही है बिना मीडियम के। ठीक है ना, तो 8 into beta into medium इज इक्वल टू 4.5 बीटा इन एयर। ठीक है, और फ्रिंज विड्थ इज a into lambda d by small d, तो लैम्डा m, दिस इज 4.5 लैम्डा a इंटू डी बाई स्मॉल डी, इस डी से डी कट गया, कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया, तो 8 into lambda m इज इक्वल टू 4.5 ऑफ लैम्डा इन एयर, ये होगा। अब अगर मीडियम ज्यादा होता, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो लैम्डा कम होता है। हमें पता है कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। म्यू अगर ज्यादा होता है तो स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है तो वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, तो हमें मीडियम यानी कि 4.5/8 इज इक्वल टू लैम्डा एम बाई लैम्डा ए। ठीक है, ये हो गया, लैम्डा एम बाई लैम्डा ए इज इक्वल टू 4.5/8। अब ये चीज क्या हो गई, लैम्डा ए यानी कि म्यू ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 4.5/8। तो यहां पे म्यू ऑफ मीडियम इज इक्वल टू हो गया 8/4.5।
तो म्यू इज इक्वल टू 80/45, यानी कि 5 से अगर हम कट करें तो 16/9, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.78। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहां पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बस आपको ये समझना है कि फ्रिंज विड्थ कौन सी है, जब एयर में बन रही है तो वहां पे फिफ्थ नंबर की डार्क बन रही है, और फिफ्थ नंबर की डार्क सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वाली पोजीशन से 4.5 पे बन जाती है। अगर कोई पूछे नाइन्थ नंबर की डार्क कहां बन रही है, तो हम आंसर देंगे 8.5 बीटा पे, और कोई पूछे नाइन्थ नंबर की, या हां नाइन्थ नंबर की ब्राइट फ्रिंज कहां बन रही है, तो हम देंगे 9 बीटा पे। ये आपको याद रखना है। तो ब्राइट फ्रिंज जितने नंबर की होती है उतने ही बीटा पे बनती है, एक बीटा फ्रिंज विड्थ, एक विड्थ, दो विड्थ, तीन विड्थ, चार विड्थ, तो 8 नंबर की 8th विड्थ पे बनेगी, ठीक है। आंसर इज 1.78। नेक्स्ट देखिए, अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन द स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स एल। When the mirror rotated through a small angle Q, theta, the spot of the light is found to move through a distance Y on the scale. The angle theta is given by. देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, इट्स अ प्लेन मिरर, और यहाँ पे ये सोर्स है L. सोर्स को क्या लिखा है इन्होंने, L. इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एक्स। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, एक्स। तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके ऑन द सोर्स ही पड़ रही है। अब ये कह रहा है कि व्हेन द सोर्स डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन द स्केल ऑन अ स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स एल। व्हेन द मिरर रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा। अगर यहां से इसको थोड़ा सा थीटा एंगल हमने घुमा दिया, तो आप देखिए जो नॉर्मल है, जो मिरर का नॉर्मल है, वो भी थीटा घूम गया होगा। तो लाइट रे अगर थीटा पे पड़ रही है तो अब वो 2 थीटा पे पड़ेगी। तो यहां से कितनी डिस्टेंस बता रहे हैं इसकी, वाई। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, वाई। ये एक्स और ये वाई और ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो पूछा जा रहा है द एंगल थीटा इज गिवन बाई, ये एंगल थीटा कितना होगा। हमें पता है कि साइन 2 थीटा या टेन टू थीटा लगा लीजिए, टेन टू थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब इसने क्या बोला है, स्मॉल एंगल थीटा, तो टेन टू थीटा को हम 2 थीटा भी लिख सकते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू वाई बाई 2x। ए ऑप्शन आ जाएगा। अगर स्मॉल एंगल दे रखा है तो टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो टेन टू थीटा को हम 2 थीटा लिख देते हैं। ये वाला एंगल थीटा, ये भी थीटा, तो टेन टू थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था ये, थीटा की वैल्यू ये आ जाती है। नेक्स्ट देखिए,
अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.42. दिस प्रिज्म कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7. दूसरा वाला कितना है 1.7, इसके साथ कंबाइंड कर दिया गया. दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन. तो यहां पे डेविएशन कितना है 0 और ये डिस्पर्जन प्रोड्यूस करता है. द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द सेकेंड प्रिज्म शुड बी, ठीक है, कितना होना चाहिए. आप ये देखिए, अगर एक प्रिज्म ऐसे है और दूसरा प्रिज्म ऐसे है, तो यहां से रे जा रही है, रे जाके रिफ्रैक्ट तो होती है, ठीक है, पर डेविएट नहीं होती. यानी कि डेविएशन वही का डायरेक्शन वही की वही है, बस रिफ्रैक्ट हो गई है, डेविएट नहीं हुई है. यानी कि डिस्पर्जन तो हो गया है, डेविएशन नहीं हुआ है. अब डेविएशन इज इक्वल टू होता है म्यू ए इंटू म्यू माइनस वन. ये होता है डेविएशन. तो पहले वाले का डेविएशन यानी कि a इंटू म्यू माइनस वन और दूसरे वाले का डेविएशन इज इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस वन, वो इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए. वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, तब जाके डेविएशन खत्म होता है. यानी कि जितना इसने नीचे की तरफ मोड़ा है, वो दूसरा उतना ही ऊपर की तरफ मोड़ दे, तो नेट डेविएशन खत्म हो जाएगा. तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, कि क्योंकि डेविएशन का फॉर्मूला तो ये है. अब a1 म्यू वन, a2 म्यू टू, ये बराबर होना चाहिए. a1 कितना है 10 डिग्री, म्यू वन कितना है 1.42 माइनस वन, शुड बी इक्वल टू a2 कितना होना चाहिए, अगर वो 1.7 माइनस वन हो जाए तो, ठीक है. तो दिस इज 10 इंटू 0.42 इज इक्वल टू a2 इंटू 0.7. इस डेसिमल से डेसिमल खत्म. तो 10 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू ए टू. तो ए टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से अगर कट करें तो दिस इज 6 एंड दिस इज 10, 10 से ये 10 खत्म हो गया. तो ए टू इज इक्वल टू 6 डिग्री, ये फॉर्मूला हो गया. 6 डिग्री यहां पे आंसर होगा.